जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाले फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है, मुझे विश्वास है कि अयोध्या मुद्दे को बातचीत से हल किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए और इसे बैठकर लोगों को हल करना चाहिए। इस मुद्दे को कोर्ट में क्यों घसीटा? भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला ने आगे कहा कि भगवान राम से किसी को बैर नहीं है, ना ही होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मामला शांति के साथ सुलझा लिया जाए। जिस दिन ये हो जाएगा, मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा। समझता हूं कि बेंच कोई चीज डिसाइड कर सकती है। ये लोगों का मसला है, लोगों को मिल बैठ के इसका मसले को हल करना चाहिए। क्यों हम लोग कोर्ट के सामने ही जाते हैं? क्यों हम कोर्ट को सिर्फ ऐसे मसले में ठोकते हैं? इसमें बैठ के जाइए, बैठ के हम तय करें। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मुसीबत है इसमें? बढ़ाइए लोगों को। सर, ऑर्डिनेंस की बात, कानून बनाने की बात, ये भी साथ साथ चल रही है। देखिए, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट गलत करेगी। ऑर्डिनेंस से कोई चीज हल नहीं होने वाली है। इनको बैठ के सब हल करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने आगे के लिए टालते हुए सुनवाई को 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा गठित एक उपायुक्त पीठ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देगी। सुनवाई के लिए मामला सामने आते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला है और इस पर आदेश पारित किया। अलग अलग पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश सालवे और राजीव धवन को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला। मामले की सुनवाई 30 सेकंड भी नहीं चली। अब अयोध्या भूमि विवाद मामले को आगे ले जाने के लिए 3 सदस्यीय एक पीठ का गठन किया जाएगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साल 2010 के आदेश के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर हुई हैं। उच्च न्यायालय ने इस विवाद में दायर 4 दीवानी वाद पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।